ऐसा हाल हो गया यमुना नगर। सो वेलकम बैक टू अदर रेल वक्त। जो आज का ट्रैवल करने वाले हैं ट्रेन नंबर 22420 सुहलदेव सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि दिल्ली के आनंद विहार को यूपी के गाजीपुर सिटी को कनेक्ट करती है। ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 814 किलोमीटर डिस्टेंस को 14 घंटे 10 मिनट में 12 स्टॉप के साथ पूरी करती है। चलिए पहले प्लेटफॉर्म पे चलते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो रखा है और मैं हो चुका हूँ डिले। तो सबसे पहले प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और टिकट लेते हैं क्योंकि मेरे पास एक जनरल टिकट की ज़रूरत है। तो सबसे पहले चलते हैं प्लेटफॉर्म पे क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है अपने पास। तो ऐसे इधर से एंट्री कर देते हैं, इधर भीड़ ज़्यादा है तो इधर से एंट्री करते हैं। चलिए भाई चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। मैंने टिकट ले लिया यहाँ से जनरल टिकट। तो अभी चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। ये आनंद विहार रीवा एक्सप्रेस को अनाउंसमेंट कर रहा है भाई साहब। आनंद विहार रेलवे स्टेशन का वेटिंग हॉल देखो कितना प्यारा है, मतलब ऊपर से ये देखो ऐसा लग रहा है जहाँ ऐसे किसी नॉर्मल सा हवाई अड्डे पे आ गया हूँ भाई साहब। मैं समझा था कि मैं ही लेट हो चुका हूँ लेकिन भाई ट्रेन लेट आ रही है इस प्लेटफॉर्म पे। अब ये रहा देखो ट्रेन का अनाउंसमेंट कर दिया है, अब यहाँ से जनरल कोच का हाल देखने वाला है। चढ़ने के लिए यहाँ से लाइन लगा दिया इन लोगों ने, ये देखो देखो पहले ही जाना शुरू कर दिया इन्होंने। इसका कर रहा है गाजियाबाद का लोकोमोटिव WFE 7 लोकोमोटिव पुल कर रहा है सुहलदेव एक्सप्रेस का आज भाई साहब। ये देखो अभी खुली नहीं है और भाई साहब लटकना शुरू कर दिया इन लोगों ने। ओ भाई इतनी तेज चलती में ट्रेन में मत चढ़ो भाई। ओ अरे भाई भाई क्यों जान बोने पे लगे हो। देखो भाई ट्रेन के साथ साथ ही दौड़े जा रहे हैं, ये देखो ओ बंद है वो। ओ भाई साहब ये देखो चलती ट्रेनों में भाई ओ तेरी के, ओ भाई चलती ट्रेन में चढ़ रहे भाई। चढ़ जा भाई दो दो भूतों के थोड़े।
बहुत बुरा हाल है रे भाई, बहुत बुरा हाल है, एकदम खचाखच भीड़ से भर, यहीं से भर गई, आगे जाके क्या होगी अब क्या पता भाई। ऑन द टाइम से डिटेल दे दिया गया है, चलने के लिए तैयार है भाई अपनी ट्रेन 18:50 पे यहाँ से निकल चुकी है अपने टाइम से। भाई छोड़ दे थोड़ा सा जगह अंदर, चार्ज तो जाओ पहले। मैं इस ट्रेन का आपको टाइमिंग और शेड्यूल के बारे में बता दूं तो ये ट्रेन यहाँ से आनंद बिहार से गाजीपुर के लिए संडे ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे के दिन यहाँ से 18:50 पर डिपार्चर होती है और आपको नेक्स्ट डे 9:30 मॉर्निंग में आपको गाजीपुर सिटी छोड़ देती है। टोटल ये ट्रेन ओवरऑल पूरी जर्नी के दौरान 56 किलोमीटर पर आवर से और हाईएस्ट यानी मैक्सिमम स्पीड इस ट्रेन का 110 किलोमीटर पर आवर से। और भाई साहब अंदर में इतनी गर्मी है ना, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा पसीने हो रहे हैं भाई, मतलब जो टेम्परेचर भाई बाहर में 40-40 के करीब में, अंदर आते आते भाई बहुत बहुत बुरा गर्मी हो गया। भाई अपने गाड़ी चलने के लिए तैयार ही नहीं है, गाड़ी टुक 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 बैलगाड़ी की तरह चल रही है और भाई पसीने भाई पूछो मत, जितना पानी नहीं आ रहा उतना पानी अंदर बाहर को जा रहा है, बहुत गर्मी है भाई, बहुत तगड़ी गर्मी है। चल दी
ज़्यादा गर्मी है ना, तो मैंने ऑलरेडी तो सीट अपना बैग को रख के सीट बुक कर लिया है, बट भाई साहब अंदर इस टाइम पे जाना बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। ये गर्मी भाई साहब बहुत तगड़ी गर्मी है यार, बहुत ज़्यादा गर्म है। ये देखो भाई उतर गया तो हवा आने लगा। मालदा टाउन न्यू दिल्ली फरक्का एक्सप्रेस का हाल देखो, क्या हाल है। तो दोनों को आउटर पे ही रोक दिया, मालदा टाउन फरक्का को भी आउटर पे रोक दिया और हमारी ट्रेन को भी स्लो करके चलाया जा रहा है। तो जर्नल का हाल, जैसी हमारी ट्रेन बस से बदतर हाल है जर्नल का ना, इस ट्रेन का भी वही हाल है। ये देखो इसको हमारी ट्रेन को आउटर पे लगा के फरक्का एक्सप्रेस को खोल दिया। इस ट्रेन का ना देखो भाई, हमारी ट्रेन को आउटर पर रोकने के बाद इस ट्रेन को खोल दिया, यानी फरक्का मालदा टाउन न्यू दिल्ली पौंडीचेरी एक्सप्रेस को। एक सौ 53 किलोमीटर का डिस्टेंस को पूरा करने के बाद हम पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का दूसरा ऑफिशियल हॉल्ट, मुरादाबाद जंक्शन के एक नंबर प्लेटफॉर्म पर। ट्रेन का टाइमिंग था यहाँ पे पहुंचने का 21:40 पे और ट्रेन पहुंची है भाई 1:30 डिले। तो मुरादाबाद जंक्शन का, तो मुरादाबाद जंक्शन पर टोटल 224 ट्रेनों का हॉल्ट है, 13 ट्रेन टर्मिनेट होती है यहाँ से और मात्र यहाँ पे 7 का हॉल्ट होने वाला है। तो 7 का हॉल्ट के बाद यहाँ से चलते हैं। यहाँ पे भी कुछ लोग बोर्डिंग किए हैं भाई और ट्रेन ज़्यादातर यहाँ से खाली ही हुई है भाई। ये भाई साहब यहाँ से चेल वाले लेने के बाद चलिए चलते हैं अब अपने प्लेटफॉर्म कोच में। अब यहाँ से केले वाले ले लिए भाई, क्योंकि और कुछ खाने के लिए मिला ही नहीं यहाँ पे। भाई पानी के भाई कितने ज्यादा ही लाले पड़ रहे हैं, देखो पानी चढ़ा ऊपर चढ़ देना था आदमी, तो लंबी भीड़ है भाई। तो फाइनली भाई यहां से अपना ट्रेन का डिपार्चर हो गया। चल भाई अंदर चल मनु भाई, अरे अंदर चलो ना, यही तो सालों से। ओ अंदर चल ले भाई, चलो यार आप बैठोगे हाँ अंदर जाओ भैया, अंदर जाने एक मिनट अंदर तो जान दो यार, चलो भैया अंदर चले जाओ अंदर अंदर, वो आगे तो बढ़े यार, जाओ अंदर बढ़ो एक मिनट जाओ, अरे भैया आगे से लेते यार हमने सर अंदर गेट पर लटका हुआ, आगे बढ़ो साइड में तब तो आ जाए। अंदर जाओ भाई अंदर जाओ, धक्का मत मारो आराम आराम से, धक्का मत मारो आराम आराम से जाओ, निकल जाओ आराम आराम से, अंदर जाओ आगे खड़े हो अंदर जगह। सो फाइनली यहाँ से अपने 2 के हॉल के बाद और 7 के हॉल के बाद डिपार्चर हो चुकी है ट्रेन। चलिए अब चलते हैं डायरेक्ट अपने सीट पे, अब हम मिलेंगे डायरेक्ट आपसे मॉर्निंग में। दे दो भाई साइड दे दो, हाँ
सीट पे जाते जाते क्या अंदर में और बुरा हाल हो रखा है। बाहर में तो नॉर्मल सा था जो भी, लेकिन अंदर आते आते भाई उबले हुए अंडे की तरह हो जाएंगे। बाहर में थोड़ा सा हवा भी चल रहा था, अंदर आने के बाद भाई ऐसे लग रहा है जैसे उबले हुए अंडे जैसा हाल हो गया ना। बहुत बुरा हाल है भाई, देखो पसीने तर 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 के रहते हैं ऐसे ऐसे, बहुत बस से बदतर हाल है। गर्मी इतना ही गर्मी है और उससे ज़्यादा भाई लोग हैं। दोस्तों गुड मॉर्निंग पीपल, 478 किलोमीटर डिस्टेंस को पूरा करने के बाद हम पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का पांचवा ऑफिशियल हॉल्ट लखनऊ जंक्शन के 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर। ट्रेन का टाइमिंग था यहाँ पे पहुंचने का 3:05 पे ट्रेन पहुंची, यहाँ पे 3 घंटा 21 मिनट डिले। और बात करूँ लखनऊ जंक्शन का तो लखनऊ जंक्शन पर टोटल 9 प्लेटफॉर्म है, 256 ट्रेनों का हॉल्ट है, 22 ट्रेन ओरिजिनेट 22 ट्रेन टर्मिनेट होती है और इसका स्टेशन कोड है LKO। और ये लगी है हमारे 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे अम्बेडकर कामाख्या एक्सप्रेस। भाई अभी तक जर्नल कोच का कुछ क्राउड कम नहीं हुआ, वैसा का वैसा ही क्राउड है, कुछ खास कम नहीं है क्राउड। एक्सप्रेस का मात्र यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट होने वाला है, तो वैसे ट्रेन तो लेट आई है, पता नहीं कितना देर और रुकेगी। ये यार ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 से बरार से बरेली, जो कि बरेली तक जाएगी। मैंने अपनी सिग्नल यहाँ पर रुका है और डुक भाई डुक 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 कहीं आगे का चल भाई अंदर घुस तो जा, पहले चढ़ जाओगे तो चढ़ जाओगे। चलो भाई फाइनली अपने 10 मिनट के हॉल्ट के बाद यहां से डिपार्चर हो चुकी है लखनऊ जंक्शन के 2 नंबर प्लेटफॉर्म से। ये है इंस्पेक्टर। छः 617 किलोमीटर डिस्टेंस को पूरा करने के बाद हम पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 7वां ऑफिशियल हॉल्ट सुल्तानपुर जंक्शन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म। ट्रेन का टाइमिंग था यहाँ पे पहुंचने का 5:11 पे ट्रेन पहुंची हमारी, 3:30 डिले, 8:52 पे सुल्तानपुर जंक्शन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे इस ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला जंक्शन में। टोटल 4 प्लेटफॉर्म में 70 ट्रेनों का हॉल्ट है, यहाँ से 4 ट्रेन ओरिजिनेट 4 ट्रेन टर्मिनेट होती है। अब सुल्तानपुर में बहुत ज़्यादा क्राउड कम हो गया हमारी ट्रेन का, वैसे तो क्राउड इतना ज़्यादा कम हो गया ना हमारी ट्रेन, पहले बहुत ज़्यादा भरी हुई थी ट्रेन, अब कम हो गई क्राउड। तो फाइनली यहाँ से अपने 2 मिनट के हॉल्ट के बाद यहाँ से डिपार्चर हो चुकी है
प्लेटफॉर्म नंबर एक से। चलिए अपनी सीट पे चलते हैं क्योंकि भाई ट्रेन पूरी तरीके से खाली हो चुकी है सुल्तानपुर में। अभी जौनपुर आते आते हो सकता है कि और भी ट्रेन खाली हो। चलिए सीट पे चलते हैं, अब का क्राउड आपको दिखाता हूँ। कुछ खास नहीं है, अब ट्रेन नहीं साला बैलगाड़ी है, जहाँ मन वहीं रोक रहा है इसको। बिना स्टेशन बिना ऑफिशियल हॉल्ट का इसको जौनपुर सिटी में रोक दिया। ये देखो, अगर ये ट्रेन ऑन द टाइम चलती थी अभी तक तो हम पहुंच जाते गाजीपुर सिटी। लेकिन ट्रेन का भाई सिग्नल ही नहीं मिल रहा, पता नहीं क्या सीन है। इस रूट पे उतना ट्रेन भी नहीं है, फिर भी भाई इसको सिग्नल ही नहीं मिलता। हो चुका है क्योंकि भाई जामन वहीं पर रोक रहा था इसको। तो फाइनली 709 किलोमीटर डिस्टेंस को पूरा करने के बाद हम पहुंच चुके हैं सुहलदेव एक्सप्रेस का 8वां ऑफिशियल हॉल्ट जाफराबाद जंक्शन के एक नंबर प्लेटफॉर्म पर। ट्रेन का टाइमिंग था यहाँ पे पहुंचने का 6:55। ट्रेन हमारी अपने टाइम से 3 घंटा 26 मिनट डिले 10:21 पे। और बात करूँ जाफराबाद जंक्शन का, तो जाफराबाद जंक्शन पे टोटल 4 प्लेटफॉर्म है, 26 ट्रेनों का हॉल्ट है। कोई ओरिजिनेट कोई टर्मिनेट ट्रेन नहीं होती यहाँ से। जाफराबाद पड़ता है लखनऊ डिवीजन के अंडर में। सो अब यहाँ से अपनी ट्रेन का रिवर्सल हुआ था, इंजन यहाँ से चेंज किया जाएगा, इसलिए इस ट्रेन का ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। तो ऑलरेडी हमारा इंजन आना शुरू हो चुका है। चेंज होगा और ये चली जाएगी गाजीपुर अली रूट में। जलना छपरा एक्सप्रेस भाई, ये जलना से आ रही है और छपरा तक जाएगी, जल्दी भी गाजीपुर होते हुए जाती है। अपना इंजन जुड़ चुका है अपने बोगी से। अब ये देखो उठना शुरू हो गया, अब इंजन को पावर देने के लिए वो उठना शुरू हो गया। भाई चलो चलते हैं, चलो चलते हैं अपने सीट पे। आई थिंक अब सिग्नल होगा इस ट्रेन का चलने के। अब फाइनली अपने टाइम से 10 मिनट के बजाय 45 मिनट के बाद डिपार्चर हुआ है यहाँ से। मार कहाँ ले गया तू? ले स्टेशन पार कर दिया यार। सो फाइनली 716 किलोमीटर का डिस्टेंस को पूरा करने के बाद हम पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 9वां हॉल्ट जौनपुर जंक्शन के 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे। ट्रेन का टाइमिंग था यहाँ पे पहुंचने का 7:40 पे और ट्रेन पहुंची है 3 घंटा 51 मिनट डिले। इस टाइम पे हो रहा है टाइम भाई, 11:34 हो गया। अब जाके ट्रेन पहुँची है जौनपुर जंक्शन, जो कि इसका टाइमिंग था 7:40। यहाँ पे मात्र 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है इस ट्रेन का। और बात को जौनपुर जंक्शन का, तो जौनपुर जंक्शन पे टोटल 5 प्लेटफॉर्म है, 58 ट्रेनों का हॉल्ट है, 5 ट्रेन ओरिजिनेट 5 ट्रेन टर्मिनेट होती है यहाँ से। और भाई हमें रोका है इसने स्टेशन से बाहर, स्टेशन पूरा उतना दूर स्टेशन है और हम स्टेशन से एकदम बाहर रोक रखा है। डायरेक्ट अब हम मिलते हैं आपसे धोबी और ये छोटा मोटा स्टॉप है, हॉल्ट है इस ट्रेन का, बट वहाँ पे नहीं, डायरेक्ट अब मिलेंगे आपसे गाजीपुर सिटी में। कब तक छोड़ती है देखते हैं गाजीपुर सिटी में।
स्टेशन में लागू नहीं, बाहर से बना के लेकर अंदर बनाओ, छाने बंद कर दो। हां यार कुछ ना, बाहर सब पूरा ठंडा। चटनी धनिया, चटनी 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 दे दो। गाड़ी हमारे यहाँ खड़ा है, लाई गई यहाँ से धड़ धड़ मत निकल। सो फाइनली 814 किलोमीटर डिस्टेंस को पूरा करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट डेस्टिनेशन गाजीपुर सिटी के एक नंबर प्लेटफॉर्म पे। ट्रेन का टाइमिंग था यहाँ पे 9:30 पे, और ट्रेन पहुंची है 4 घंटे डिले, यानी 13:30 पे। अपने सफ़र यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।